भाई जी को डिटेक्टर लाए हैं साथ में, जिससे चेकिंग कर सकें। कुशवा समाज के मेरे समस्त महानुभव, मेरे परिवार के सदस्य अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भगवान श्री राम के पुत्र के कुश के आप वंशज हो, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ, शिवराज सिंह जी का कृतज्ञ हूँ। ये कल्पना थी, एक सोच थी, एक विचारधारा थी। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का हूँ मैं सहराई गार्डन, और जैसे आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हो, हेलो हेलो, माइक चेक। तो अभी स्टार्टिंग है, मतलब प्रोग्राम स्टार्टअप है, काफ़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं। सो गाइस, ये है काफ़ी बड़ा पंडाल। बस कार्यक्रम 5:30 बजे स्टार्ट होगा। सो गाइस, अभी मुख्य अतिथि के रूम में आए मदन जी कुशवाहा। तो गाइस, सिंधिया जी आ चुके हैं। तो गाइस, सिंधिया जी आ चुके हैं। तो भाई, अभी तो सिंधिया जी को माला अर्पण की जा रही है, और काफ़ी सारे जितने भी मुख्य अतिथि थे उन्होंने सबने सिंधिया जी को माला अर्पण की। कुशवा समाज के मेरे समस्त महानुभव, मेरे परिवार के सदस्य गणवा, मैं पिछले 1 घंटे से सभी की बातों को सुन रहा हूँ, और मेरी कोशिश भी रहती है कि इन सामाजिक कार्यक्रमों से, इन रचनात्मक कार्यक्रमों से समाज की नई पीढ़ी और नए नए लोगों को भी मौका मिले अपने मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। सामाजिक मंच समाज का होना चाहिए, सामाजिक कार्यक्रम समाज की आशाएं अभिलाषाएं विचारधारा, और आशाएं अभिलाषाएं विचारधारा के साथ साथ समाज का इतिहास, समाज की संस्कृति, क्योंकि ये यही भारत है पूरे विश्व में, एक एक समाज की ऐतिहासिक योगदान रही है, और उसका एक बेहतरीन उदाहरण मेरा कुशवा समाज है मेरे सामने। के पुत्र के कुश के आप वंशज हो, प्रणाम करता हूं झूठे रावण का। तो जहां एक तरफ भगवान श्री राम के परिवार के आप वंशज, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भगवान श्री राम, जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, जिनके पच्चनों पर चलकर यही भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, विश्व शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभर रहा है, लेकिन यही भारत जो अमृत वो भारत जब तक शताब्दी काल आएगी विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। मेरे भाइयों, और उसमें आपके समाज का योगदान होगा। आज मंच से मदन कुशवा जी की एक उत्साहवर्धक उद्बोधन हमने सुना, ब्रिजमान सिंह जी, कांगे बेटा जी, लक्ष्मण सिंह जी, इनकी इतनी भावनात्मक बात हमने सुना। ये देश मेरे भाइयों बहनों, ये देश दिल दिमाग के साथ काम नहीं करता, हमारा देश और हमारा कुशवा समाज दिल से काम करता है। और इसके पीछे कारण, वो कारण ये है कि जिस समाज में जहां एक तरफ पूरे भारत के साम्राज्य बनाने वाले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का पराक्रम आपने, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का पराक्रम आपने है, वहीं दूसरी तरफ चाहे आप आदर्श बोलो, धर्म बोलो, लोकहित बोलो, लोक सेवा बोलो, सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक का बल भी आपने, चंद्रगुप्त मौर्य जी
खुशवा समाज में है, और जहां पराक्रम की शक्ति हो, जहां बल की शक्ति हो, उस पराक्रम की शक्ति और बल की शक्ति के साथ भगवान बुद्ध की शांति और स्थिरता की क्षमता भी खुशवा बना है। मेरे देश में आप मुझे बताओ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के शिवराज सिंह जी का कृतज्ञ हूँ। ये कल्पना थी, एक सोच थी, एक विचारधारा थी। कौन सा दूसरा समाज में पराक्रम की शक्ति होगी, बल की शक्ति होगी और शांति और स्थिरता की शक्ति होगी जो मेरे खुशवा समाज में नहीं मिल पाई। ये आपका इतिहास है। ज्योतिबा भगवान का जो मंदिर बना हुआ है, जो सिंधिया परिवार के कुल देवता हैं, उनके नामांकन पर जो महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम, चाहे चोर हो, चाहे भितरवार हो, चाहे पोरी हो, चाहे किराना हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहर हो, हम अपने क्षेत्र में चार चांद लगाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरे साथ बोलो, भारत माता की। अरे जोर से, लक्ष्मण सिंह जी को देखो, उड़ गए, चलो दादा उठ के, हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध कर, चलो दादा ऊपर के बाद मुट्ठी बांधो, बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय देखिए हमारे संयोजक आए हैं, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। अभी हो चुका है सम्मेलन खत्म, तो सारे लोग जा चुके हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कोई सिंधिया साहब से मिला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ, बीजेपी शिवराज सिंह जी का कृतज्ञ हूँ। ये कल्पना थी, एक सोच थी, एक विचारधारा थी। हमारे देश के करोड़ों लोगों हेलो आशा अभिलाषा खाना तैयार हो गया है, दिल की भावना संत रविदास जी के साथ, उनके सीख के साथ, उनके दिखाए हुए पथ पर चलने के संकल्प के साथ जुड़ी, और आज उनका मंदिर हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपए राशि के आधार पर एक भव्य मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा प्रांगण। एक बार मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जरूर जाके देखें, बहुत सुंदर एक डिज़ाइन भी बनी हुई है। कहाँ मंदिर होगा, कहाँ आश्रम होगा, अनेक सुविधाएं वहाँ बनाई जाएंगी। और मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश का नहीं लेकिन पूरे देश का एक धार्मिक स्थल आने वाले दिनों में बनेगा। संत रविदास जी ने देश की जनता को केवल लेकिन विश्व की जनता को जन सेवा का पथ, शासन का पथ और एक आदर्श जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया। उनके अनुयायी के रूप, उनके बच्चनों पर चलने की एक का एक संकल्प लेकर उनको श्रद्धा, उनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके चरणों में हम नमन करते हैं, और आज के दिवस पर वही प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलने का पूर्ण प्रयास करें। जाते हैं तो बहुत स्पीड पकड़ते हैं, क्या कहें, जा चुके हैं श्रीमान सिंधिया जी, रुकने का कोई नाम नहीं, जब स्टार्ट हो जाते हैं तो रुकते नहीं हैं बस। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, कोई ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा भाषण दिया और अपनी कार ले गए अपनी टोली, तो सामने बैठे थे उसी कार में, मैंने व्यू नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, तो काफ़ी मज़ा आया।
काफी सारा काफिला था उनका टोयोटा कारों से, बहुत अच्छा लगा और काफी सारे भाषण भी दिए गए थे तो अच्छा लगा। गाइस एक चीज बता दूं, ये उनका मेन कार्यक्रम नहीं था, ऐसे कार्यक्रम वो डेली करते हैं, कल भी किया था ग्वालियर में था और पहले भी किया हो कहीं पे भी, मतलब ऐसे कार्यक्रम तो उनके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। तो आज डबरा में था तो आज मैंने आपको दिखा दिया और काफ़ी मस्त लगा कि सिंधिया जी आए। मैंने पहली बार उनका भाषण सुना था तो मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल दबंग जैसी आवाज़ लग रही थी और दबंग बोलते हैं क्योंकि उनकी बहुत नरेंद्र मोदी जी तक है तो उनको पता है कैसे क्या बोला जाता है और सारा जो बैकग्राउंड में जितना उनका ज्ञान होता है बताते हैं वो रियल होता है, सब कोई फेक नहीं होता है। बाकी जो आप देख सकते हैं कंटेंट वो मुझे नहीं पता है बट काफ़ी मस्त लगा। कुछ समाज का संवाद सम्मेलन था जिसमें मैं आया, अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई मन नहीं था ना मैंने कोई प्लान किया था कि मैं जाऊँगा, वो तो मामा जी के साथ था तो आ गया, तो बस काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और ये राजनीतिक पॉलिटिक्स ब्लॉग हो या वैसे मैं ऐसे ब्लॉग डेली ब्लॉग बनाता हूँ तो आई होप यू विल वेट फॉर दैट एंड आई एम गोना टू एंड दिस ब्लॉग। सो बाय एंड कीप वॉचिंग टू माई चैनल। बाय।